माई चैनल, दिस इज हर्षिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल हर्षिम व्लॉग्स। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैं करती हूँ ब्लो ड्राई। तो इस टाइम अगर आपको दिखाऊँ, मैंने बहुत सी चीज़ें पकड़ रखी हैं और कैसे मन में आया मेरा ये वीडियो बनाने का। तो आज मैंने जब बात लिया तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन समथिंग लाइक दिस। आई वॉज गोइंग टू गो फॉर माई ब्लो ड्राई, अभी मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा है, बिल्कुल मैं ऐसे ही आ गई हूँ आज वीडियो के लिए बिना मेकअप के। सी माई गट्स, मैं ऐसे भी कर लेती हूँ मेरी। तो क्या क्या चाहिए होगा इस वीडियो के लिए, पर वीडियो को शुरू करने से पहले देयर इज अ काइंड रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। और वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया जाता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो कृपया इसको इस बात पर बिल्कुल भी जज ना करें। बट स्टिल वी विल सी, अगर मैं अच्छा कर पाई तो आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो क्या चाहिए होता है हमें हेयर, जब मैं अपना ब्लो ड्राई करती हूँ तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ऐसे का, आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है श्वाबे का ऐसे का, आई डोंट नो वेदर आई प्रोनाउंस इट राइट और नॉट, बट इसका मेरा ब्लो ड्रायर है मेरे पास, काफ़ी बड़ा सा है। उसके आगे मुझे कुछ ऐसे का इक्विपमेंट भी मिला हुआ है, जिसको हम ऐसे के दो मिलते हैं इसके साथ, ठीक है। और ये राउंड ब्रशेज हैं मेरे पास, थोड़े से ये राउंड ब्रशेज होने चाहिए, और एक आपके पास होना चाहिए कोई भी फ्लैट ब्रश, ठीक है, कोई भी फ्लैट सा ब्रश होना चाहिए। ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको। शुरू करते हैं सबसे पहले, तो शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा। मुझे लगता है आप लोगों को फ़ैन की आवाज़ काफ़ी आ रही होगी, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये ए सी मैंने अभी जस्ट ऑन करा था नहाने के बाद, बिकॉज़ आई टुक हेयर बाथ टुडे, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप जो चीज़ यूज़ करेंगे इसमें वो है ये, ठीक है, ये मॉइस्चराइज़र है, इसको आपने यूज़ करना है। मेरा मॉइस्चराइज़र है बी ब्लंट इंटेंस मॉइस्चर हेयर सीरम, कोई सा भी हेयर सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पंप को कुछ हो गया मुझे लगता है, काफ़ी पड़ा है अभी, बट स्टिल इसको ऐसे करके खोल के भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये बाहर ना निकले, टाइम कम हो, फिर फटाफट से ऐसे कर लेते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी बातें करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। व्हाट आई नीड इज, आई नीड समथिंग लाइक ये हीट प्रोटेक्शन मुझे चाहिए, इसको मैं यूज कर लूंगी। तो आपको हेयर कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट लगाना है फॉलोइंग द मॉइस्चराइजर, थोड़ा दूर से रखे। द वन आई एम यूजिंग इज दिस वन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों पे। जब भी आप कोई हेयर ट्रीटमेंट मतलब कुछ भी करते हो, और वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया जाता है, जैसे हम कोई ऐड देखते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स की, या उसमें वार्निंग दी जाती है कि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो सिमिलरली जब भी हम कोई हीट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक जो है वो हो सकते हैं। थोड़ा सा बालों को ऐसे कर देना है कि जो भी आपने अभी हीट प्रोटेक्टेंट या मॉइस्चराइजर लगाया है वो बालों में अच्छे से चला जाए, ठीक है। अब शुरू होता है ब्लो ड्रायर का काम, हेयर ड्रायर का काम। मैं आपको बता दूँ कि मैं इस टाइम हीट सेटिंग मैंने ज़ीरो रखी है, और आपने कोशिश करना है कि आप इसको या तो हेयर को ब्लो ड्राई एयर ड्रायर करें, या फिर इसको मतलब जो है हीट वाली सेटिंग पे ना लेके जाएं, क्योंकि हीट के साथ आपके बाल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश करें इसको कूल ड्रायर पे रखें। जब भी आपने ऐसे का ब्लो ड्रायर यूज़ करना ना, जैसे मैंने अभी 3-4 मिनट्स चलाया, तो उसके बाद मैं इसको आधे मिनट की अराउंड ब्रेक देती हूँ, बिकॉज इसको लगातार नहीं चलाते, जो लोग लगातार चलाते हैं वो ख़राब हो जाता है। स्पेशली जैसे कि ये प्रोफेशनल वाला, ये नहीं ख़राब होता, बट फिर भी आपको ब्रेक देना चाहिए। बालों को पूरी तरह से ड्राई कर दिया, ठीक है। इस पर अब हम क्या करेंगे, फ्लैट ब्रश हल्का सा मारेंगे, जो काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉरी मैं बार बार इधर देखती हूँ, मेरा सामान इधर पड़ा हुआ है।
तो आपने क्या करना है, जब आपने बालों को 90% ड्राई कर लिया, अभी आप क्या करेंगे कि अपने बालों को सेक्शन क्लिप्स की हेल्प के साथ, अगर आपके पास वैसे के क्लिप्स हैं जैसे आपने सलोन में देखे होंगे ऐसे कैंची की तरह, तो वो आप रख सकते लगा सकते हो बालों में, नहीं तो आप कोई भी ऐसे के क्लिप्स के साथ अपने बाल जो है वो टाई कर लें। मैंने सबका प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने ब्रशेस का काम। तो जैसे आपने देखा मैंने ये वाला सेक्शन उठाया और मुझे थोड़ा सा, मैं पहले आपको बिग वाले ब्रश के साथ करके दिखाती हूँ और अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक बेटर वे में दिखा सकूं, तो मैंने इधर रखा है एंगल को और हम फिर से शुरू करते हैं। अब मैं इसको मीडियम हीट पे रखूंगी क्योंकि जब हमने ब्लो ड्राई करना है फाइनल, उसमें मीडियम हीट की जरूरत पड़ती है। अपने ब्रश को अच्छे से घुमाना है, मतलब जैसे आप करोगे ना इसको अपने राउंड राउंड करते जाना है साथ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं इसको कैसे करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर का मेरा ब्लो ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब हम इनको गत्थे पर देख लेते हैं दोनों को कैसे लग रहे हैं। आपको दिखाती हूँ, ये हो गई है हमारी दोनों साइड्स ब्लो ड्राई। अब हमने जो इस साइड पे मैंने जो उतारना पड़ेगा, मैंने क्या लगाया था, ये था मेरे ख्याल से ना, ये साइड पहले पकड़ी थी, ये थी। अब इसको हमने करने के लिए पहले मैंने राउंड ब्रश बड़ा ले रखा है। अगर आपके पास छोटा है या आपने छोटे गर्ल्स जैसे आप थोड़े से चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने आपको एक दूसरा छोटे वाला दिखाया था वो भी यूज कर सकते हो, वो एंड वाले जो हेयर होंगे मैं उस पे वो यूज कर सकती हूँ। काम करना बहुत इजी लगता है, मुझे सलोन जाके बैठना बहुत मुश्किल लगता है। गाइस, आई एम अ पर्सन हु रेयरली गोज टू पार्लर, सीरियसली, मतलब अगर मेरा बस चले मैं सब कुछ घर पे कर लूँ, मैं पार्लर कभी भी ना जाऊँ क्योंकि मुझे सीरियसली मुश्किल लगता है पार्लर जाना, क्योंकि घर में जब आपके पास इतना काम होता है और फिर पार्लर जाना है समथिंग, कुछ लोग कहते हैं रिलैक्सिंग होता है पर मेरे लिए रिलैक्सिंग नहीं होता, मुझे मुश्किल लगती है, इसलिए मैं सब कुछ घर पे करने की कोशिश करती हूँ। ये थोड़े ज्यादा बाल हैं, इसको ध्यान से करना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे बेसिकली क्राउन एरिया में अलग करती हूँ, ये वाले जो मेरे बैंग्स हैं। सो गाइस अब हमने जो अपने पिछले वाले बाल हैं वो करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब फ्रंट वाले बाल जो है मैं करने लगी हूँ। इन्होंने एग्जैक्टली वही शेप ले लेनी है। अब मैं इनको कुछ इस तरह से, अब थोड़ा स्लाइटली छोटा ब्रश यूज कर सकते हैं, अगर कुछ बाल बाहर है अभी वेट कर सकते हैं। मुझे इस एरिया में बेसिकली बाउंस बहुत ज़्यादा पसंद है। एज यू कैन सी इन्होंने बैठ जाना है कुछ टाइम के बाद, इतने ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रहते, थोड़े टाइम के बाद बैठ जाते हैं। अगर स्टिल आपने ऐसे इतने हल्का सा हेयर स्प्रे लगा सकते हो, बट मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाएंगे उसके साथ। सो यू कैन सी, सो दैट्स इट।